इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 68वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोकॉन 2023 का आज समापन हो रहा है। इस समापन के अवसर पर कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आइए आपको ले चलते हैं आयोकॉन 2023 में। जी बिल्कुल, ये बहुत ही लंबे समय के बाद 26 नहीं बल्कि ये 31 साल के बाद आयोजन हुआ। 1992 में इससे पहले ये महाकुंभ हुआ था और अब हुआ है। तो चैलेंजेस तो बहुत थे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में डेलीगेट्स आते हैं और देश विदेश से डेलीगेट्स आते हैं और उनके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो हमने एक तो बहुत अच्छा साइंटिफिक सेशन अपने सारे डेलीगेट्स के लिए तैयार किया था ताकि उनकी जो ज्ञान की शुद्धा है उसको शांत करने में हम सफल हों। तो हमने अपने देश से तो सब बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को बुलाया था, उसके अलावा करीब 10 दूसरे देशों से भी बड़े और माननामे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आए थे जिन्होंने कि यहाँ पर व्याख्यान दिए। दूसरा एक जो है जो उद्देश्य होता है जब लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ टूरिज्म का जो है करते हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के आने पर लखनऊ टूरिज्म में जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और लोगों ने लखनऊ में भी खूब घूमा, अयोध्या दर्शन के लिए गए, वाराणसी दर्शन के लिए गए, मथुरा दर्शन के लिए गए, आगरा का टूर किया लोगों ने। तो इस प्रकार उनका जो ये शुद्धा होती है, विदेश से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, गुजरात से, नॉर्थ ईस्ट से लोग आए, उनका जो है उनको यहाँ पर हम जो है उन्होंने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। और तीसरा जो है वो हमारा एक चैलेंज था कि जो लखनऊ में आ रहे हैं, लखनऊ के हमारे जो खान पान है वो बहुत मशहूर है, लोगों ने दूर सुने होते हैं, लेकिन वो पूरे शहर में फैले हुए हैं। एक को कोई आपके लिए अकबरी गेट जाना है तो दूसरे के लिए आपको जो है हज़रतगंज जाना है। तो हमने यहाँ लखनऊ के जो 4 टॉप कैटरर्स हैं उनसे बात की, हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है और उनको एमलगमेट करके एक उन्होंने मिलके एक कंपनी बनाई आयोकॉन कैटरर्स, और हर एक की अपनी बेस्ट स्पेशलिटी। लखनऊ के जितने भी मशहूर चीज़ें हैं, चाहे वो टुंडे का कबाब हो, चाहे वो रॉयल कैफ़े की चाट हो, चाहे वो जो है प्रकाश की कुल्फ़ी हो, चाहे वो रॉयल कैफ़े की मिक्स वेज बिरयानी हो, या जो है बास्केट चाट हो, काकोरी कबाब हो, गलावटी कबाब हो, तो ये मतलब एक अच्छा हमने वो संगम यहाँ पे तैयार किया। अमृतसर के जो छोले कुलचे का स्टॉल था उसने भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट जी बहुत, वो बहुत किया क्योंकि छोले कुलचे अमृतसर के बहुत मशहूर हैं और इसके लिए हमारे केटरर्स ने उन्होंने विशेष रूप से अमृतसर से ही कारीगर बुलवाए जिन्होंने जो है उन्होंने अमृतसरी छोले कुलचे बनाए। और हमारा जो दक्षिण भारतीय खाने का स्टॉल था उसके लिए दक्षिण भारत से कारीगर आए थे, उन्होंने जो है बनाया। तो बहुत ही ऑथेंटिक हमने टेस्ट देने की कोशिश की है और हमारा ये प्रयास था कि हमारे प्रेमिसेस से बाहर किसी को न जाना पड़े कि उसको मुझे जो है मक्खन मलाई खानी है तो मैं चौक में जाके खाऊं या मक्खन मलाई यहाँ मौजूद है। सर हमने बहुत सी कंपनी के डेलीगेट से बात करी है जिन्होंने 8-8, 10-10 आयोकॉन अटेंड कर रखे थे, वन ऑफ द बेस्ट आयोकॉन का खिताब इसको दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सर वी आर हम्बल्ड, ये जो हमारे गेस्ट लोग हैं उनका बड़प्पन है कि वो कहते हैं कि ये बेस्ट आयोकॉन है। हमारी तरफ से ये हमारा बेस्ट प्रयास था, अगर ये हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम यही कह सकते हैं बस कि उनको धन्यवाद कि उन्होंने हमारे प्रयासों को पहचाना और उसकी तारीफ की। सर इस बार तो 31 साल का लखनऊ वालों ने, यूपी वालों ने वेट किया है, अब आने वाले समय में कितनी जल्दी ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए हम लोग ने इसको बहुत प्रयास करके, ये इसके लिए चुनाव होता है और उसमें से जो है 5 साल बाद फिर सेंट्रल जोन में चुनाव होगा या और उसके अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद लखनऊ फिर प्रयास कर सकता है। और मेरे साथ जो है मेरे यंग कलीग डॉक्टर रवि खनका हैं, इन जैसे जो ये यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, अब ये इनकी जिम्मेदारी है। हम लोगों का वक्त निकल गया, हम लोगों ने अपना प्रयास कर लिया, अब ये जो है
ये लखनऊ की ऑर्थोपेडिक्स को इस मुकाम पे ले जाएंगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि 5 साल बाद या 10 साल बाद फिर से लखनऊ में आयोकान का आयोजन हो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 10 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हम हमारे ये यंग गन्स हैं फिर से लखनऊ में आयोकान को वापस लाएंगे और ये ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का महाकुंभ जो है एक बार फिर से आप लोगों को जो है यहाँ होते हुए दिखाई देगा। सर आपसे हम थैंक्स गिविंग चाहेंगे इसके लिए। मैं तो सबसे पहले संजीव अवस्थी सर को थैंक यू कहूँगा तहे दिल से, जो इन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊँ। थोड़ी बहुत हो सकता है बट हमको लगता है कि हम काफ़ी अच्छे से कर गए और इससे अच्छा रहेगा आने वाले समय। गुरुजन संजीव अवस्थी सर, जमाल सर, शुभ मल्होत्रा सर और संतोष सिंह सर, अनूप अग्रवाल सर, इन लोगों का बहुत भरपूर सपोर्ट और प्यार मिला मुझको और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आगे अपने सर लोगों के पूरे एक्सपेक्टेशंस पे मैं खड़ा उतरूं और एक अच्छा करूं। और सभी बाहर से विदेश विदेश से जो हमारे डेलीगेट्स आए जिन्होंने हम लोगों की मेहमान नवाजी, जो हम लोगों ने कहा जनाब मुस्कराइए आप लखनऊ में हैं, वो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, आए, हम इंजॉय किया और इसके पार्ट बने। उनको तहे दिल से हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम लोग को ये इतना अपनी खिदमत का ये मौका दिया और आगे भी गुजारिश रहेगा कि इस तरह के बड़े इवेंट हम लोग जब करते हैं हमें भरपूर सपोर्ट करें ताकि हम इससे भी अच्छा उनके लिए करें। और हमें अपने गुरुजन संजीव अवस्थी सर और जमाल सर, इन लोगों का अगर प्रेरणा और मार्गदर्शन और प्यार मिलता रहा तो हम इससे भी बहुत अच्छा बड़ा आयोजन करके दिखाएंगे। मैं जो है धन्यवाद ज्ञापन और करना चाहूँगा। पहला जो है वो इकाना स्पोर्ट्स सिटी के मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका हमारे साथ बड़ा सहयोग रहा और हमारे जो डेलीगेट्स ने बहुत तारीफ़ की उसमें इस वेन्यू का बहुत बड़ा है, इतना खुला जगह है उन्होंने दी हमको जो है यहाँ आयोजन करने के लिए और अच्छी तरह से सहयोग किया, तो एक तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरे हमारी इवेंट मैनेजमेंट टीम है वामा इवेंट्स, ये बम्बई बेस्ड कंपनी है और इन्होंने इतना परफेक्ट हर तरह का इंतज़ाम किया कि हमारे बहुत सारी मुसीबतें अपने सिर पे ले ली और डेलीगेट्स को किसी तरह की शिकायत नहीं का मौका नहीं दिया, तो मेरा इन दोनों लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। बाकी जो हमारे जो है सिक्योरिटी सर्विस थी कॉन्कॉर्ड, उन्होंने सिक्योरिटी संभाली, हमारे बहुत अच्छा प्रोवाइड किया और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ थे लेकिन किसी तरह की ऐसी घटना नहीं हो पाई कि किसी को कोई परेशानी हो, किसी का पर्स चोरी हो गया हो, किसी का जो है कोई सामान खो गया हो, ऐसी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत थी। तो ये सब लोग हैं जिनके सहयोग के बिना हम लोग एक ऐसा आज काम जिसको सब लोग कह रहे हैं वो नहीं कर सकते थे, तो उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।